बेल आइकन फॉर नो। राकेश जी आपका बीपी चेक करते हैं। संजीवनी 2 कितने एक्साइटेड है, क्या पहले का संजीवनी आपने देखा था? सच तो ये है कि मैंने देखा नहीं है, बट मैंने ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज अबाउट संजीवनी। इट्स सच अ बिग ब्रांड टू बी एसोसिएटेड विद, और मेरे लिए और इतनी खूबसूरत रिकॉल वैल्यू है। बच्चा बच्चा जानता है यार, बड़े बड़े भी जानते हैं। मुझे मैसेजेस आते हैं कि आप संजीवनी कर रही हैं, तो द आइडिया ऑफ डूइंग ऑल्सो संजीवनी वॉज बिकॉज संजीवनी बहुत बड़ा ब्रांड है, एंड ऐसे एसोसिएट होना इतने बड़े ब्रांड के साथ, आई थिंक ये दिस इज़ माई लक। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था? मैंने कहा ना, मैंने देखा नहीं है, बट ऑफकोर्स एवरीबडी नोज के हमारे सुंदर डॉक्टर जूही थी, वेरी हैंडसम लुकिंग डॉक्टर शशांक थे, मुनीश जी, एवरीबडी, एंड आई हर्ड दैट वो बहुत लंबा चला था और बहुत अच्छा चला था। सो डॉक्टर ईशानी एक तो फर्स्ट ईयर रेसिडेंट है और बहुत ही स्पिक एंड स्पैन जर्मोफोबिक है। उसको थोड़ी सी कोई हाथ वाथ लगा देता है तो ऐसी हो जाती है थोड़ी सी, यू नो, शी टेक्स दूर रहती है। कुछ बहुत ही राइटियस है अपने नेचर में, अपने अप्रोच में। गलत होते हैं देख नहीं सकती, अगर गलत होता देखेगी तो सीधे कंप्लेन कर देगी, और बहुत ही एक बैगेज लेके चल रही है अपने माँ बाप का। कुछ जो नाम यू नो ख़राब था, जिनके वजह से वो ये सही करने आई हैं संजीवनी हॉस्पिटल में, प्रूव करने आई हैं। और सबसे अच्छी खासियत है कि अगर मैं आज आपको देखूं और मुझे ऐसा लगे कि आप में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं फट से डिटेक्ट कर लेती हूँ कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी नाइस ट्रेट अबाउट हर। काफ़ी सबसे पहले तो हमने सीखा कि ग्लव्स कैसे पहनते हैं, और जब आपके पास इतनी सारी अंगूठियाँ हो तो ग्लव्स तो फट ही जाते हैं, बट उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाया ग्लव्स, बीपी कैसे चेक करना। आइए मैं आपका चेक करूं, मशीन होती तो मैं आपका चेक करती थी। बीपी किसका चेक करना बता दीजिए, राकेश का। राकेश जी आपका बीपी चेक करते हैं। हमें स्टेथोस्कोप की हार्ट बीट कैसे सुनते हैं, कितनी बीट्स होती हैं, सिरिंज को कैसे खोलते हैं और कैसे लिक्विड डालते हैं, काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं यार। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब इतने इतने टर्म्स मैं सीख रही हूँ, मतलब अपनी लाइनें जो बोलती हूँ वो तो अलग है, बाकी जो टर्म्स यूज़ करती हूँ मेडिकल टर्म्स बड़े इंटरेस्टिंग है। मेरी मम्मी आ जाएंगी और बहुत पापा भी आए, बहुत खुश होंगे, देखो बेटी मेडिकल तो कर नहीं पाई, डॉक्टर बन नहीं पाई, तो कम से कम टीवी में ही डॉक्टर बन ली। सो आई थिंक दे आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली प्राउड। पहले आप मुझे बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो उसके बाद हम बात करेंगे। बताइए मैं सुन रही हूँ, और खासियत कीजिए मेरी, मेरे को और कोई और अच्छी बातें सुनना चाहती हूँ। मेरे हेयर कट के बारे में बताइए, मेरे शॉर्ट हेयर लुक के बारे में कुछ तो बताइए, बोलिए कैसी लग रही हूँ मैं। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू हियर। आई हैव गॉन शॉर्ट विद द हेयर स्टाइल। मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट नहीं थी क्योंकि जो पिछला शो करी थी उसमें लंबे बाल थे, टिपिकल बहू थी, टिपिकल तो खैर नहीं थी, बट समथिंग डिफरेंट, लाइक अ गर्ल नेक्स्ट डोर कैरेक्टर है ईशानी का। बाल छोटे हैं, बड़ी स्टाइलिश कपड़े पहनती है। बाय द वे ये ईशानी का लुक है, दिस इज़ नॉट सुरभि चांदना, दिस इज़ ईशानी। सो शी इज़ अ वेरी स्टाइलिश डॉक्टर, एंड आई थिंक मैं इंस्पायर भी करना चाहूँगी कि हमें देख के डॉक्टर्स अच्छे कपड़े पहने, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आप अच्छे दिख सकते हैं ऐसे कपड़े पहन के। सो दैट्स द आइडिया। मैं सारी पढ़ाइयाँ सेट पे करती हूँ, घर पे जाने का वक्त मिलता नहीं है, तो जो जो टर्म्स हैं, बाटनोलिसिस, EPI दो, सलाइन चढ़ाओ, और भी बहुत सारी चीज़ें, तो सब सेट पे ही होती है। हमारे डायरेक्टर अभिजीत दास बहुत बहुत ही हिस्सो ट्रेन, तो हमें सब सिखाते हैं वो, यू नो, डायरेक्टर होके भी उन्हें मेडिकल की इतनी नॉलेज है, मेडिकल फील्ड की। सो आई थिंक यू नो थिंग्स आर वेरी ईजी। सिद्धार्थ मेड मी वेरी वेरी कम्फर्टेबल, सिद्धार्थ मल्होत्रा जी ऑफ कोर्स, एंड टू बी एसोसिएटेड विद सच अ बिग नेम इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी इन माई लाइफ। प्रेशर है, काफ़ी है, इसलिए मैं आज बस वेट कर रही हूँ कि सबके रिव्यूज़ कैसे हैं। आप लोग भी देखिएगा, मुझे बताइएगा। आई एम क्वाइट नर्वस, वेरी ऑनेस्टली एक्साइटेड तो मैं हुई हूँ, नर्वस ज़्यादा हूँ, मुझे ऐसा डर लग रहा है कि क्या होने वाला है। जो आपकी लव इंटरेस्ट है उनके साथ कुछ मामला ठीक नहीं नज़र आ रहा, तो एक लव स्टोरी के बारे में बताइए, कैसी होगी? यार वो ना बड़ा मतलब वो गलत काम करने में बिलीव करता है,
बट ऑफकोर्स जो उसकी अप्रोच है वो भले ही गलत काम करता है लेकिन उसकी उसका जो आइडिया है वो गलत नहीं है इन द सेंसेस पैसे इधर की उधर करेगा लेकिन उसके पीछे जो मुद्दा होगा या मोटिव होगा वो अच्छा मोटिव होता है. बट ये लड़की हमेशा उसको तभी पकड़ती है जब वो गलत काम कर रहा होता है, ये नहीं कि जब वो अच्छा कर रहा होगा, यू नो. सो वो एक प्रॉब्लम है. बट अदर देन दैट इट्स अ वेरी नाइस केमिस्ट्री वी आर ट्राइंग टू क्रिएट. दोनों के आइडियोलॉजीज बहुत अलग हैं एंड वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक जब दो लोग डिफरेंट सोच के होते हैं उनमें केमिस्ट्री बड़ी होती है. हाउ नाइस, बहुत सपोर्टिव हैं यार वो लोग. मतलब मैं कुछ भी करती हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ, महेश सर, सो गुड टू सी यू. मैं कुछ भी करती हूँ उनके फीडबैक हमेशा रहता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, एंड आई टेक इट वेरी यू नो वेरी सीरियसली. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे यू नो ग्रोथ में या एज अ पर्सन इफ आई इवॉल्व इज बिकॉज मैं उनके पॉइंट्स पढ़ती हूँ और मैं उस पर वर्क करने की कोशिश करती हूँ. एंड आई थिंक शायद वो हमारा ना बहुत पर्सनल रिलेशनशिप है. मैं जो शायद मैं आपके साथ होंगी, मम्मी पापा के साथ होंगी, मेरा उनके साथ वैसा है. तो दैट्स द रीज़न आई थिंक देयर इज़ इमेंस लव मेरी तरफ से उनके लिए, उनकी तरफ से मेरे लिए. थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वेटिंग, थैंक यू.